बसपा में शामिल हुए बीजेपी के बड़े नेता भाजपा को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव, इसके साथ साथ विधानसभा के चुनाव नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, लगातार ये भी चीजें देखी जा रही है कि जहां पर एनडीए गठबंधन बड़ा दावा कर रहा है कि तकरीबन 300 से अधिक सीटें जीत लेगा, इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रहा है कि कैसे सत्ता की गद्दी पर आया जाए। लगातार तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, 28 पार्टी मिलाकर इंडिया गठबंधन बन चुका है। बड़ी खबर लगातार यही रही कि बहुजन समाज पार्टी को आखिर क्यों शामिल नहीं किया गया, क्या इस इंडिया गठबंधन को दलित और मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत नहीं है इंडिया गठबंधन को, वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर में उनको दलित और मुसलमानों का वोट मिले। ये तमाम बड़ी बातें लगातार सुर्खियां बनी हुई थी। ऐसे में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जहां पर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन तमाम चार प्रदेशों के अंदर में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार बहुजन समाज पार्टी ये बात कह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी, किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन करने का काम नहीं करेगी। लेकिन अब तस्वीरें साफ हो चुकी है, चुनाव नजदीक है, बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ से देखी गई, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद में तस्वीरें देखने को मिली मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश के बाद में एक सबसे बड़ा वोट बैंक और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो गढ़ माने जाने वाला प्रदेश वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से भी अब बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी ये चीजें निकल कर आई कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में तो बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, इसके साथ साथ निषाद पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी में विलय कर लिया है। ये तमाम बड़ी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, और इन तमाम चीजों से तो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनके जो नेता है वो लगातार प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस प्रकार जो बहुजन समाज पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो मतदाता है, जो वोटर्स है, वो अपनी पहली पसंद बनाते हुए नजर आ है, और जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में बता दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर में जो बड़े बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके, जिनका नाम है घासीराम पटेल। घासीराम पटेल भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, राजनगर से आते हैं, और राजनगर विधानसभा सीटों से इनके एक मंशा थी कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के माध्यम से उनको टिकट नहीं दी गई। बीजेपी के माध्यम से वो लंबे समय से नाराज चल रहे थे देश के अंदर में, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर में खासतौर पर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है शिवराज सिंह चौहान, जिस प्रकार लाडली योजना, तमाम तरीके की योजनाओं से, इतना ही नहीं तो सिलेंडर के भाव कम करने के बातों को लेकर, और तमाम तरीके से लाडली योजना हो या अनेकों प्रकार से अपने बहनों के तमाम तरीके से इमोशनल कर कह सकते भावनात्मक तौर पर फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने के लगातार जो सपने देख रहे हैं, ऐसे में जो असल मुद्दे है ये कहने की जनता से दरकिनार किए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के भी के अंदर के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो लोग है, वो कहने की अब उन्हें तमाम समाज के अंदर में जाकर जब वो वोट मांगने के लिए जा या फिर वो कैंपेनिंग करने के लिए जा रहे, तब लगातार उनको सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में अब केंद्र की सरकार बीजेपी की हो या फिर प्रदेश के अंदर में चलने वाली बीजेपी की सरकार हो, ये तमाम सरकारों से मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से उब चुकी है, और ऐसे में लगातार बीजेपी को और कांग्रेस को छोड़कर लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे। वही तमाम तस्वीरें हम आपको यहां पर साझा कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल, इन्होंने अब भाजपा को छोड़कर बहुजन पार्टी का दामन थाम लिया है, और आने वाला यह भी समय देखा जा सकता है कि राजनगर विधानसभा सीट से यह बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके नेतृत्व के अंदर में इनको प्राथमिकता सदस्यता दिलवाई गई और बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लिया गया। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश ये उत्तर प्रदेश के बाद में एक बड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए परिणाम के तौर पर प्रदेश माना जाता है, और एक कहीं ना कहीं
ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी को गढ़ माना जाता है, तमाम ऐसी विधानसभा की सीटें हैं और एक बड़ा इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने समय समय पर यहां से अपने विधायक दिए हैं और सांसद भी दिए हैं। लेकिन आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है यहां पर बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में जो चुनाव लड़ने का काम कर रही है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कितने दिलचस्प परिणाम और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कितने मजबूती से ये बहुजन समाज पार्टी आने वाला विधानसभा का चुनाव यहां पर लड़ने वाली है। तमाम तरह की जो खबरें निकल कर आ रही है वो लगातार हम आपसे साझा करने का काम करते हैं। चैनल के तमाम वीडियोस आप लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से आपका सहयोग हमें मिलता है और जिसके माध्यम से हम आपकी तमाम खबरों को लगातार आपसे रूबरू करने का काम करते हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।